वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं गई थी खेत, आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको दिखाया, धूप आनी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, मगर अभी बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हो मौसम, देखो बारिश हो रही है, बहुत बारीक है मगर बारिश हो रही है। और मैं आ गई हूँ खेत से वापस, तो खेत में तो नहीं हो सकता क्योंकि बारिश हो रही है, तो कर लेती हूँ घर का काम, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने दिखाया था थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैं चली गई थी वापस घर। फिर अभी मुझे नहाना है तो सोचा थोड़ा पहले खेत में और एक बार चली जाती हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ फिर से खेत में और थोड़ा खेत की सफाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घास है खेत में लगी हुई। तो तशु आ गई है स्कूल से, मतलब समझ रहे हो ना, 3-4 बजे आ रही तशु स्कूल से, क्योंकि तशु आजकल जैसे तशु की बुआ आई है तो तशु घर में कम और बुआ के पास ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जब तशु की बुआ आई रहती है तो तशु स्कूल से घर नहीं बुआ के पास जाती है, तो वहाँ पे गई थी और थोड़ी देर पहले मैंने तशु को लाया है। और अभी बहुत हवा चल रही है, पहले बारिश भी हुई थी, तो मिल लो पहले तशु से। हाय बोल दो। आ गए आप स्कूल से, क्या कर रहे हो? जी, मैं होमवर्क कर रही हूं। होमवर्क कर ले हो? जी। वेरी गुड, बात कर लो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा। अभी तो मैं बिजी हूँ यार, मेरा दिमाग ही पढ़ने का दिमाग नहीं है। तो कैसा दिमाग है? बस उल्टे काम करने का। कौन से उल्टे? चीजी खाने का। चीजी खाने का मन है अभी? अच्छा, चलो चलो। बुआ ने तो मुझे कुछ नहीं लिया और एक चिंगम तक नहीं दी। ओह माय गॉड। और खुद कुल्फी खाई। झूठ? कितना झूठ हो रही है तशु। मम्मा ने अभी क्या दिया था फिर आपको? देखा, इतना बड़ा पोलो दिया था आपको। अच्छा ना, सच में बुआ ने एक कुल्फी भी नहीं दी। भूखी तो क्या? डेली डेली मैंने मना किया था बुआ को कि नहीं देना तशु को। क्यों? हाँ तो डेली डेली थोड़ी ना खानी पड़ती है। मैं खाऊंगी। मैंने ना अपने दादी से दो हाई टेंशन दो लाए हैं। नहीं, तीन तीन तीन। अच्छा, मैं नहीं दूंगी। okay. मम्मा, मैं आपको नहीं दूंगी। ओके बेबी। और किसी को नहीं दूंगी। ओके गाइस, अगर आपके पास भी हाइडन सीक की शॉप है तो आप भी हाइडन सीक लो। नहीं, इनको बोला आपकी हाइडन सीक चाहिए। नहीं, आप अपनी लो। अच्छा ठीक है, बस हाइडन सीक का डब्बा ले लेना। मैं तो इतना सा डब्बा लूंगी। छोटा सा क्यों लेना है, बड़ा ले लेना, तब फ्रेंड्स को भी देना। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आप अपना डब्बा लो, इतना सा। उसमें बहुत सारे होते हैं, जो इतना सा होता है उसमें इतना सा होता है। ओके, आप होमवर्क करो। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा, मतलब यहाँ घर के परे थोड़ा जा रहे हैं दूर, वहाँ पे अभी जो है ना, आपको शायद पिछले एक दो ब्लॉग में भी देखा होगा आपने, मतलब जो पहाड़ी सॉन्ग, बहुत पुराने पुराने पहाड़ी सॉन्ग्स मतलब सुनाते हैं, गाते हैं, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। तो आज तो भाई जो सॉन्ग सुनाने वाले हैं ना, वो मैंने सुनने पहले थोड़ी देर पहले, तो आज वो सुनाएंगे, तो प्लीज़ आप सब समझना क्योंकि मैं भी समझने के लिए जा रही हूँ। देखती हूँ ज़रा क्या क्या बोलते हैं, मेरे को खुद समझ नहीं आता है मगर समझूंगी मैं जाके, तो आप भी समझना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए, बोला पारा मेरे बाकारो
डूबो रे कोरा निगो रे तने ओ बीते आए मेरी बोरी बीतू गे सिगड़ो आने बीतू बेटे बोले मेरे भाई ले कोई दाचे कुका टूकांडू जैसे का मेरे माले जैसे का मुँह बोले मेरे भाई ले कोई राजे काले आवे स्वरूपा तेरे लंबे किया ओ दूस के दागे औरे दोत के जो चूटे नू आरे दोत के चूटे नू आरे ओ काले बेसरूपा तेरे सोटे मेरे उला की बापू सोटे मारू गड़ा भाई सोटू उआ पाले श्याणा बे बदुरा ऐसे ना तसु की मम्मी चल गई चल गई। अच्छा अच्छा सुन लिया मैंने। अच्छा मारूंगी उसको है ना। माना गया तेरे पड़े मुले पिकोरा मैं काए कानी चालोड़े मैं काए कानी चालोड़े लोड़े गे दासी ओ तेरे पड़े मुले पिकोरा मैं काए कानी चालोड़े लोड़े गे दासी चाटू चाली रे पुलो के बंदा चाने गोभी रे बाजे बाजे के दासी ओ चाटू चाली रे पुलो के बंदा चाने गोभी रे बाजे बाजे के दासी ओ आसे बोला के ले राजी राजी के दासी ओ
से बोला के ले शादुरा कानो राजी राजी के दासी बाटे ला कुपुआ दांता बे कोडूरी शानी शानी के दासी सुना मैं आली रानी रानी के दासी मेरे सुना जे रेता बीते सुना मैं आली रानी रानी के दासी नौला आनानी लाई वे साड़ी पारणी रानी के दासी नौला आनानी लाई वे साड़ी पारणी थैंक यू जी थैंक यू। तो फ्रेंड्स आपने ये गाना सुना ना, ये गाने का मतलब मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत। इस गाने का मतलब ये है कि जैसे जो लड़की है वो गई है अपने माँ बाप से मिलने, और जो भाभी है वो बहुत बेकार है, वो मतलब गुस्सा कर रही है, भाई ये घर आई है अब पता नहीं क्या क्या मांगेगी क्या क्या कुछ ऐसा है। तो प्लीज़ समझो, जो तो पहाड़ी है वो तो समझ जाएंगे शायद, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है भाई ये बहुत कुछ मांगेगी ऐसा वैसा। पर लड़की ऐसे बोल रही है कि मैं इतने सालों से रह रही हूँ, मैं मम्मी पापा से मिलने आई हूँ, ऐसा कुछ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय।